हेलो बच्चों, आपका कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करोगे। और मैं आपको एक और रिएक्शन आज सिखाऊंगा, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करता है स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इससे हमें बैलेंस करना है। इसको डिवाइड कीजिए टू पार्ट में, LHS में डिवाइड कीजिए एंड RHS में डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद इस पार्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप लिखिए, उनके नंबर्स, हाइड्रोजन 1 एंड 2, देन क्लोरीन 1, देन ऑक्सीजन 4 एंड 5, देन सोडियम 1। सारे एलिमेंट्स हमारे हो चुके, भी करना है हाइड्रोजन 2, देन क्लोरीन 1, देन ऑक्सीजन 4 एंड 1, टोटल 5, देन सोडियम इज ओनली 1। इतना करने के बाद क्या करें, दोनों साइड के जो नंबर्स हैं उनको चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। अगर ये क्या है, हमारा नंबर जो है होते हैं वो बैलेंस अगर है, मींस कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं आपसे कह दूंगा रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। चलिए चेक करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, ये भी 2 है, सेम है। क्लोरीन 1 है, ये भी 1 है, सेम है। ऑक्सीजन 5 है, ये भी 5 है। सोडियम 1 है और ये भी हमारा सोडियम भी 1 है। मीन्स क्या है, सारे सारे नंबर क्या है हमारे सेम हो चुके हैं। मीन्स क्या, ये रिएक्शन हमारे पहले से ही बैलेंस थी। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन बैलेंस होती है, कभी कभी नहीं भी बैलेंस होती है। यही आपको मैं सिखा रहा हूँ और आप लगातार मुझसे सीखना चाहते हैं। तो अगर आप चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल जरूर पुश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।